प्रमोद सावंत बने गोवा के 13वें मुख्यमंत्री। दो डिप्टी सीएम समेत 11 मंत्रियों ने ली शपथ, कांग्रेस ने किया विरोध। नॉर्थ ईस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नजर, आज अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के दौरे पर जाएंगे राहुल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जनता पर डालेंगे डोरे। प्रियंका की बोट यात्रा का आज दूसरा दिन, आज विंध्यवासिनी मंदिर में जाएंगी प्रियंका, जनसभा को भी करेंगी संबोधित। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रियंका गांधी परिवार, कहा चुनाव के लिए कर रही हैं वोट के लिए बोट यात्रा, चुनाव गांधी परिवार के लिए पिकनिक है। कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, 56 नामों का हुआ ऐलान। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 132 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, आज शाम 5 बजे होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, करीब 100 उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर शीला दीक्षित की सोनिया गांधी को चिट्ठी, कहा जल्द स्पष्ट करें स्थिति, आपसे गठबंधन पर कांग्रेस को होगा नुकसान। भारत के भगोड़े नीरव मोदी पर कसा शिकंजा, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी के बाद कभी भी आ सकता है भारत। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जिरह के लिए तारीख तय, 9 और 10 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई। आईपीएल 12 का ट्रॉफी टूर शुरू, 23 मार्च से होगा आईपीएल 2019 का आगाज, रविवार को दिल्ली में फैंस के लिए रखी गई थी ट्रॉफी। भारत और मालदीव के बीच हुए 3 अहम समझौते, वीजा, ऊर्जा और विकास परियोजनाओं पर बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बदला चीन का रुख, मुंबई हमले को बताया अत्यंत भीषण आतंकी हमला। ब्रेक्जिट पर तीसरे वोट को रद्द कर सकती हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, सफल परिणाम की यथार्थवादी संभावना नहीं दिखने पर कर सकती हैं रद्द। मीडिया पर फिर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा क्राइस्ट चर्च हमले के लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं लोग। क्राइस्ट चर्च हमले के बाद पीएम जसिंडा एर्डर्न का बड़ा बयान, बोली 10 दिनों में बदलेंगे मौजूदा हथियार कानून। हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 अंकों की मजबूती के साथ 38,218 पर पहुंचा, निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 11,497 पर कर रहा है कारोबार। कमजोरी के साथ हुई रुपए की शुरुआत, रुपया 2 पैसे की कमजोरी के साथ 68.55 पर खुला, कल 56 पैसे मजबूत होकर 68.53 के स्तर पर हुआ था बंद। आज होगी जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, घर खरीदारों को राहत के लिए बनेगी गाइडलाइन, निर्माणाधीन घरों पर 12 से 5% की गई जीएसटी दर। मुश्किल में पड़े अनिल अंबानी की मदद के लिए आगे आए बड़े भाई मुकेश अंबानी, मुकेश ने चुकाया अनिल अंबानी का 550 करोड़ का कर्ज। और न्यूजीलैंड की कंपनियां फेसबुक गूगल को नहीं देंगे विज्ञापन, आतंकी हमले को लाइव दिखाने के विरोध में विज्ञापन नहीं देने का लिया फैसला।